अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात फूलों की घाटी कल दिनांक 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। नंदा देवी नेशनल पार्क के उपवन संरक्षक नंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि फूलों की घाटी में पॉलीगोनम घास को उखाड़ने के साथ ही पुलिया एवं मार्गों को ठीक किया गया है। घाटी में लगभग 45 तरह के पुष्प खिले हैं और हम पर्यटकों के स्वागत के लिए तत्पर हैं। हालांकि पर्यटकों को कोविड-19 नियमों का पालन यहां भी करना आवश्यक होगा। गौरतलब है कि फूलों की घाटी को सामान्य अवस्था में प्रत्येक वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में खोला जाता है, परंतु कोरोना संक्रमण से बनी परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन होने से इससे 1 जुलाई से खोला जा रहा है। 2020 में भी संक्रमण के कारण पर्यटकों की घाटी को 15 अगस्त को खोला गया था। अच्छा, ये एक जुलाई 2021 से पर्यटकों के लिए खुली जा रही है। जो भी पर्यटक आएंगे वो 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट कंपलसरी है। नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उनको अनुमति दी जाएगी। पर्यटकों के लिए वहाँ पर इस समय जो रास्ते बंद हो गए थे बर्फबारी के कारण, वो रास्ते खोल दिए गए हैं। 2-3 जगह पर पुलियाँ टूट गई थी, पुलियों को निर्माण करा दिया गया है। बाकी स्टाफ की तैनाती वैली ऑफ फ्लावर के गेट पर कर दी गई है। बाकी समय तुम्हारा अंदर सभी चीज़ें सुरक्षित हैं।